आई एम सॉरी, मेरे पास टाइम भी नहीं था एक्चुअली। फिर कोई नियर वन हॉस्पिटल में था, थोड़े सीरियस कंडीशन थी, दैट इज़ वाई कोई 2-3 दिन इन्फॉर्मेशन अपलोड नहीं कर सका। एक रिक्वेस्ट थी कि स्क्रूटनी फॉर्म के बारे में थोड़ी इन्फॉर्मेशन दे दीजिए, कैसे फिल करना है। वैसे मेरे ख्याल में आपको जानकारी होगी, लेकिन जहाँ तक मैं थोड़ी इन्फॉर्मेशन अपडेट कर सकता हूँ सिर्फ वो होगी। थोड़ा थका हुआ हूँ, कोई गलती हो गई तो माफ कर देना। मेरे ख्याल में मेरा सुजेशन ये है कि आपको सबसे पहले लास्ट में स्क्रूटनी फॉर्म जो है उसके एक ये चेकलिस्ट की तरह उसको यूज कर लेना चाहिए। आपको गाइडेंस वहां से मिल जाएगी, शायद ये वीडियो देखने की भी जरूरत ना पड़े। ये लिस्ट है जो आपकी वेरीफाई होनी है, ठीक। इसमें रजिस्ट्रेशन फॉर्म, प्रूफ रिगार्डिंग डिपॉजिटिंग फीस, 10th सर्टिफिकेट, DMC, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन। देखिए ऊपर आपने कौन सी इंफॉर्मेशन, 10th की, DMC ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन और PhD वाले, वो जिन जिन जो जिनका नेट क्लियर नहीं है लेकिन उन्होंने PhD के बेस पर ये जॉब हासिल करनी है, वो अकॉर्डिंग टू मैं काफी वीडियो अपलोड कर चुका हूँ कि 2009 या उससे पहले डेट भी दी गई है, उसके कंप्लायंस सर्टिफिकेट भी चाहिए। तो ये प्रूफ पंजाबी पास, हर एक वो है प्रूफ मांगा गया जो आपकी एलिजिबिलिटी की वेरिफिकेशन करनी है। कुछ बातें बहुत सीरियस हैं, कुछ बातें बहुत सीरियस नहीं है, नॉर्मल है, इसलिए घबराने की बात नहीं है। इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन का सर्टिफिकेट, जनरल कैटेगरी का, SC का, BC का, जिस भी कैटेगरी से आप संबंधित हो वो कैटेगरी आपने अच्छी तरह से देख लेनी है, वर्डिंग एक बार पढ़ लेनी है। फिर ऊपर आपने जाना है और एक डिस्टेंस एजुकेशन की है लास्ट में, डिस्टेंस, इसको थोड़ा बड़ा कर ले, हाँ डिस्टेंस एजुकेशन, चलो वो बाद में ही बताता हूँ। नेम ऑफ द पोस्ट, लाइब्रेरियन और असिस्टेंट प्रोफेसर, ठीक है। साथ में अगर स्पेस बनती है कॉलेज कैडर लिख सकते हो आप। ईयर ऑफ एप्लीकेशन कोई बताने की बात नहीं है, सब्जेक्ट आपका फॉर एग्जांपल साइकोलॉजी, सब्जेक्ट कोड, मुझे तो कोई कोड यहाँ पर, सब्जेक्ट कोड अगर आपने ये देखा होगा लिस्ट है, ये एडवर्टाइजमेंट नंबर आना है, यही है, और ये कोड आपका यही बनता है। फॉर एग्जाम्पल कंप्यूटर साइंस है उसका 6 है, इकोनॉमिक्स है 7 है। मैंने ज्यादा स्टडी नहीं की, मैं अभी आया था, बहुत थका था, सिर्फ आपकी एक जने की रिक्वेस्ट है, सिर्फ उसी के लिए बना रहा हूँ, ठीक। दैट इज वाई पहले से ही माफी मांग रहा हूँ। ये रहा आपका, ओके। आने के बाद यहाँ पर घबराने की जरूरत नहीं है, घबराने की जरूरत है जहां पर आपकी एलिजिबिलिटी का वो है। एप्लीकेशन आईडी आपके पास है, रोल नंबर आपके पास है, आर यू वर्किंग इन गेस्ट फैकल्टी, पार्ट टाइम, कॉन्ट्रैक्टर, सभी को पता है जो कर रहे हैं पंजाब में और सिर्फ गवर्नमेंट कॉलेज की, ठीक। एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, ये बात जरूरी है कि जिनका कईयों का 2 का 2.5 का अगर ऐसा एक्सपीरियंस है तो आप अपना एक्सपीरियंस फुल जितना बनता है मैक्सिमम फिल करें। जब वेरिफिकेशन होनी है उनके, अगर नॉर्म्स जो वेरिफिकेशन वालों को अगर कुछ दिया गया होगा डायरेक्शन, वो कट वगैरह करना होगा कर लेंगे। यहाँ डेज, महीने का, मार्क्स भी देखने हैं ना कि कैसे डिवीजन होनी है। सो आप अपना मैक्सिमम फिल कर दिए, कैलकुलेशन आपकी एक्यूरेट होनी हो चाहिए, और आप किसी से अपने ब्रदर सिस्टर भाई बहन से वेरीफाई भी करवा सकते हैं। मार्क्स आपके सिलेक्शन टेस्ट में फॉर एग्जांपल 60 आ गए हैं, आपके एक्सपीरियंस ओनली गेस्ट फैकल्टी इनके फॉर एग्जांपल मैक्सिमम 5 मार्क्स है, आपको लगता है कि आपके 5 मार्क्स बनते हैं, 4 मार्क्स बनते हैं, यहाँ फिर फिल कर देने हैं। 60 है फॉर एग्जाम्पल, 5 हो गया टोटल, दोनों के मिला के 65 हो गया। एक बात कीजिए कि आप इसके 2-3 प्रिंट निकाल के पहले एक रफ फिल कीजिए, उसके बाद वेरीफाई करने के बाद फिर बहुत साफ साफ फाइनल फिल कीजिए, ठीक है। कैटेगरी आपकी कोई है, जनरल है, SC, MND, मजहबी सिख एंड बाल्मीकि, कई ये रिक्वेस्ट भी आई थी कि इनका मतलब क्या है, SC एंड RO, रविदासी एंड अदर। पहले SC की कॉमन मेरे ख्याल 25% थी, फिर डिवीजन हो गई, डिवीजन होने के बाद अब कई सीट्स ऐसी भी हैं कि इन कैटेगरी को
में कोई कैंडिडेट नहीं है, कई हर पोस्ट के हिसाब से है और इसमें ज्यादा कैंडिडेट है। तो ये पिछले साल मेरे पास वो है नहीं, 2020 में शायद पास हुआ है कि ये जो कैटेगरी की सीट है वो कैटेगरी में ही डिवाइड होगी, वो जनरल कैटेगरी को नहीं जाएगी मेरे ख्याल में। मेरे पास उसका वो नहीं है अभी, मेरे पास अभी टाइम भी नहीं था, आपने कहा बहुत टाइम कम है, दैट इज़ वाई आपको जस्ट जो मेरे पास इंफॉर्मेशन थी वो आपको दे रहा हूँ। तो जिनको ये चिंता है कि हमारी जो रिजर्व कैटेगरी की सीट किधर जाएगी, तो मैक्सिमम है कि रिजर्व कैटेगरी में ही वो डिस्ट्रीब्यूट होगी, ठीक है। एक्स सर्विसमैन है, बीसी है, हैंडीकैप है, एससी मजहबी सिख एंड बाल्मीक है, रविदासी एंड अदर एससी जो एक्स सर्विसमैन है, ठीक है, जनरल ये पता है मेरे ख्याल में कुछ भी है। ये आपने अपनी कैटेगरी अच्छी से देख के वो टिक करनी है, यहाँ कुछ खास नहीं है। अबाउट द कैंडिडेट नेम आपने कैपिटल में लिखे, टेंथ वाला आपके नाम वो चाहिए। कई जनों का जो फीमेल है उनको ये समस्या लग रही होगी, उनका एक मैंने बताया था जिनके फीमेल के मैरिज से पहले नाम और बाद नेम नाम में थोड़ा या बहुत फर्क है, उनका मैंने एडवोकेट साहब से ये पूछा था, वो कहते कि एक एफिडेविट लगता है कि ये नाम और ये नाम सेम है, वो जल्दी बन जाता है, घबराने की कोई बात नहीं है। यहाँ आप टेंथ का पूछा गया है, टेंथ का वो अपना नाम वैसे ही फिल करें, और सरनेम है तो सरनेम नाम साथ में फिल करें, नहीं है तो टेंथ में जो इन्फॉर्मेशन यहाँ है इसको आप इसके बेस पर आपने काम करना है। फादर्स नेम, मदर्स नेम क्लियर है, डेट ऑफ बर्थ ये वह बहुत जरूरी है क्योंकि एज जो बार है लिमिट है, ठीक है। तो मंथ ईयर डे कैलकुलेट करके मेल फीमेल, फीमेल की रिजर्वेशन है दैट इज वाई परमानेंट एड्रेस, मोबाइल वही फिल कीजिए जो आपने रजिस्टर करवाया है, प्रेफर उसी को कीजिए, और ईमेल एड्रेस भी जिस पर आपकी रजिस्ट्रेशन हुई है, ठीक। कई जनों ने दो रजिस्ट्रेशन करवाई थी, याद रखना है जिस पर आपने सिलेक्शन टेस्ट दिया है वो वाली इंफॉर्मेशन फिल करनी है, आपके सिग्नेचर, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, ये मैं चेक लिस्ट पर इसीलिए लेके गया था कि आपने टेंथ का ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन और पीएचडी, ये सिर्फ वो इंफॉर्मेशन दे रहे हो जिसके साथ संबंध है, एक्स्ट्रा क्वालिफिकेशन की जरूरत उनको शायद पड़ेगी जिनका टाई हो जाएगा, सेम जो है स्कोर आएंगे, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग नहीं थी, नेगेटिव मार्किंग होती तो पॉइंट्स में बड़े आने थे, फिर संभावना कम होती है, पॉजिटिव मार्किंग थी तो जैसे 55, 50, 55, 3, 4 कैंडिडेट्स भी है ना। तो जनरली क्या होता है कि जिनके क्वालिफाइंग डिग्री में, फॉर एग्जांपल आप साइकोलॉजी के हो, साइकोलॉजी की मास्टर डिग्री में जिसके ज़्यादा मार्क्स हैं अगर वो भी टाई कर जाते हैं तो एज को कंसिडर किया जाता है, सीनियर पर्सन को प्रेफर किया जाता है, ठीक। तो ये आपने टेंथ के फिल कर दिए, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, नेम, यूनिवर्सिटी आ गया, एकेडमिक सेशन आ गया, क्लियर है ये तो रेगुलर। और दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज एक बात है, आगे जाके इस पर आपको क्वेश्चन भी पूछे गए हैं, शायद आपने फिल कर ली भी लिया होगा, क्योंकि केस आ गए थे डीपीआई में, मुझे एक पर्सन का भी आप में से किसी का आया था कि उन्होंने बड़ी वैसे बहादुरी है, बड़े ग्रेट पर्सन है, तो उन्होंने कहा कि मैंने ये साबित कर दिया ये कॉरेस्पॉन्डेंस पंजाब या इंडिया में जो फेक डिग्री होती है वो ले जाकर अपॉइंटमेंट लेटर भी ले लिया और अथॉरिटी को कहा कि देखिए आपको पता नहीं चला कि ये फेक है और ये मैंने सिलेक्शन भी करवा लिया और आपने अप्रूवल भी दे दिया। तो तब से थोड़ा चैलेंज कॉरेस्पॉन्डेंस कोर्स को किया गया है, उसके बेस पर नेक्स्ट आपको चार क्वेश्चन पूछे जाएंगे, उनका क्लियरली आंसर देना है, वो आंसर इसी से रिलेटेड है कि वो डिग्री आपकी वैलिड है यूजीसी की गाइडलाइन से, गाइडलाइन के अनुसार, और जो भी सेंटर आपका बना है जहाँ एग्ज़ाम दिए हैं, जहाँ आपका कोर्स है वो स्पेशल उसकी परमिशन उस यूनिवर्सिटी ने ली हुई है। लेकिन चलो यहाँ वो बात करने की ज़रूरत नहीं है, दैट इज़ वाई रेगुलर वाले तो पूरे सेफ हैं, कॉरेस्पॉन्डेंस और प्राइवेट, प्राइवेट वाले भी ठीक है, प्राइवेट जैसे गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी प्राइवेट भी करवाती है, प्राइवेट का मतलब होता है कि आप सिर्फ यहाँ बताने की ज़रूरत नहीं है, है ना, कॉरेस्पॉन्डेंस में क्लासेस लगती हैं या इस प्राइवेट में नहीं लगती, आपने सीधा देना होता है एग्जाम। चलो डेट ऑफ पासिंग, देखिए जो इन्फॉर्मेशन डीएमसी पर डिटेल मार्क्स कार्ड के नीचे ऊपर दी हुई है कि रिजल्ट कब आउट हुआ है,
वहां रिजल्ट जो आउट हुआ है तब आपने वो डेट लिखनी है यहाँ पर, ठीक है। तो मार्क्स ऑब्टेन्ड है, मार्क्स ये बताने वाली बातें नहीं है, परसेंटेज आपने डेसिमल फोर पर, ये ध्यान से देख लीजिए इसको और बड़ा करो, डेसिमल फोर क्यों लिखा है आपने। फॉर एग्जाम्पल आपके पॉइंट बने हैं 77.1345, ओके। तो इसीलिए है कि जब टाई आपके जो हुए हुए हैं तब ये मार्क्स ही देखे जाने हैं जो आपके क्वालिफाइंग डिग्री के होंगे, ठीक है। हायर डिग्री, वैसे तीसरा क्राइटेरिया हायर एजुकेशन होती है, फॉर एग्जाम्पल किसने पीएचडी की है, फर्स्ट जो क्राइटेरिया है वो आपके मार्क्स होते हैं। जनरली वो 4 पॉइंट पर इतने मैच तो नहीं करेंगे सभी के, 4 पॉइंट पर मैच कर गए सिलेक्शन टेस्ट के, मैच करेगा, अगर कर भी गए तो नेक्स्ट फिर होगा आपका एज प्लस होता है आपके, ये जो बता दिया है मैंने आपके हायर एजुकेशन, ओके। तो ये आपके हो गए। यहाँ पर मेरे ख्याल में कोई रिमार्क्स आप लिख सकते हो, जिसकी डिस्टिंक्शन है, मेरिट होल्डर है, गोल्ड मेडलिस्ट है, यहाँ पर मार्क्स रिमार्क्स लिख सकते हो आप, कोई एक्स्ट्रा अचीवमेंट उस डिग्री में आपने की है। रिक्वायरमेंट ऑफ बीइंग पंजाबी पास जरूरी है, होनी ही होनी चाहिए, अदरवाइज यू आर नॉट क्वालिफाइड। कई ऐसे जनों ने फिल किया है, वेटिंग वाले भी अपना हौसला थोड़ा रखे, क्योंकि मेरे पास कई ऐसी क्वारीज आई थी, पर्सन भी मिले हैं, सर हमने वैसे फिल कर दिया कि देखते हैं कितने आते हैं, हो सकता है कि उनके मार्क्स आ गए और क्वालिफाई करना करें और वेटिंग वालों को का नंबर आ जाए, ये पॉसिबल, मतलब ये आस रखनी चाहिए। डेट ऑफ पासिंग पंजाबी आपने जब भी सर्टिफिकेट पर है जो वो फिल करनी है, और किस बोर्ड से, यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट से, फॉर एग्जाम्पल पंजाब स्कूल एजुकेशन बोर्ड मोहाली, पंजाब डोमिसाइल सर्टिफिकेट है ना, अगर आप पंजाब के हो सर्टिफिकेट आपके पास है उसको देख के ही फिल करना है। डेट ऑफ इश्यूएंस ऑफ सर्टिफिकेट ये देखिए जी, ये सर्टिफिकेट का जो ये है, हाँ सर्टिफिकेट जो भी है ना, जैसे ये इश्यूएंस डेट होती है ऊपर, जैसे है 22 मई 2017, किस अथॉरिटी ने की है ये लिखा है, तहसीलदार साहब, ठीक है, कहाँ, लुधियाना। तो ये इंफॉर्मेशन ही आगे मांगी गई है, आपने यहां से ही फिल करनी है, कहीं और इधर उधर नहीं जाना कि यार पता नहीं कहाँ से, ओके। डेजिग्नेशन ऑफ द ऑफिसर इशूइंग अभी बताया, जैसे तहसीलदार साहब उनका लिखा हुआ था, प्लेस ऑफ अभी बताया है ना, लुधियाना वहां लिखा था, जलंधर है, ये मोस्टली आपकी डिस्ट्रिक्ट ही होगी, ठीक है, अगर सब तहसील है तो पॉसिबल है, अदरवाइज ये वही होगी, आपने अपने सर्टिफिकेट से देख के ही लिखना है, ठीक। एससी ये बता चुका हूँ, एम एंड बी ये पीछे बता चुका हूँ, आर एंड ओ विमुक्त जति, और ये आपका डेट ऑफ इश्यूएंस ये भी बता दिया है, सर्टिफिकेट से देखनी है। डेजिग्नेशन ऑफिसर जैसे तहसीलदार, प्लेस जैसे जलंधर या लुधियाना जो भी लिखा है, ये वैलिड नहीं है कि है अकॉर्डिंग टू रूल, जो सोशल जस्टिस डिपार्टमेंट है उसने देखना है और उन्होंने सिग्नेचर करने हैं, ठीक। तो ये आपका काम यहाँ तक है, वहां तक नहीं है, ये वाला वैलिड है कि नहीं है उन्होंने देखना है सारी। देखिए सर्टिफिकेट ओरिजिनल कब, किस लिए इतना हम स्टडी करते हैं, ये लास्ट स्टेज होती है, इसके बाद सर्टिफिकेट का भी काम नहीं आने, क्योंकि इसका फ्रूट आपको मिल जाना है। आप दैट इज वाई ओरिजिनल उसकी वेरिफिकेशन मस्ट है, सब कुछ वो ठीक कर रहे हैं, कैंडिडेट के सिग्नेचर, ठीक है, कैटेगरी अपनी फिर वही रिपीट होगा सारा कुछ, कैटेगरी फ्रीडम फाइटर वही रिपीट हो रहा है, कैटेगरी स्पोर्ट्स वही रिपीट हो रहा है, डायरेक्टर स्पोर्ट्स और नॉट, ये आपको पता है, जो कैटेगरी वाले हैं उनको पता है, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन इन जनरल कैटेगरी, इनके जो एनुअल इनकम है ना जरूरी, इनकी 8 लाख है नीचे लिखी हुई है, मेरे पर विश्वास में नहीं करना आप, ये नीचे मैंने नेट पर भी चेक की है, 8 लाख से कम वाले हैं जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, नीचे होगा आ जाएगा। अच्छा ये हो गया एक्स सर्वेसमैन, लिनियन डेसिनेंट एक्स सर्विसमैन, ये बिल्कुल में है जो सेल्फ वाले हैं, ठीक, इनकी भी एक है कि ये एक बार ही चांस इनको मिलता है यहाँ पर सर्टिफिकेशन बाय द कैंडिडेट दैट नो वन इन द फैमिली हैज अवेल्ड दिस बेनिफिट अर्लियर, क्योंकि
एक बार ही ये बेनिफिट लिया जा सकता है कि वो जो भी अथॉरिटी है मिलिट्री की, वो एक सर्टिफिकेट इशू करते हैं, वो इशू जिसने पोस्ट के लिए, फॉर एग्जांपल एक केस आया था मेरे पास, जो भाई और बहन वो कहते मेरे उस उन्होंने अप्लाई किया है, अगर उनका पुलिस में नाम नंबर आया तो मैं फिर इधर अप्लाई करूंगी, तो क्योंकि वो सेम एक सर्टिफिकेट होता है, ये उनके लिए है, थोड़ा ये केयरफुली फिल करना है। अगर आपके सिबलिंग ने जहाँ किसी और फैमिली मेंबर ने उसका ये फैसिलिटी अवेल नहीं की है, तब आप करोगे, अदरवाइज वेरिफिकेशन में आप फंस सकते हो। ठीक है, सिग्नेचर हो गए कैंडिडेट के, सिग्नेचर जगह जगह आए क्योंकि सिग्नेचर ऑफ कैंडिडेट ये जरूरी है। अच्छा, ये आपके लिए नहीं है, कमेंट्स ऑफ स्क्रूटनी ऑफिसर पॉइंट ये रहे, रजिस्ट्रेशन फॉर्म ऑफ दी पोस्ट अप्लाइड फॉर, ये आपके सारे प्रूफ हैं जो आपने एडवर्टाइजमेंट अप्लाई करने से शुरू करके लास्ट आपकी एलिजिबिलिटी के लास्ट पॉइंट तक प्रूफ तक जाता है। ठीक, तो नेचुरली ये सारे अब चाहिए आपको, ये स्क्रूटनी ऑफिसर में इसको वेरीफाई करना है। प्रूफ रिगार्डिंग डिपॉजिटिंग फीस, के आपने जो फीस थी वो ऑनलाइन की थी उसका प्रूफ आप रखा होगा, वो आपने लेके जाना है। 10th सर्टिफिकेट के डेट ऑफ बर्थ है, डीएमसी ग्रेजुएशन ओरिजिनल, डीएमसी पोस्ट ग्रेजुएशन, पीएचडी डिग्री एज पर, हाँ इनको वो चाहिए जिन्होंने जिनके पास नेट सेट सेलेक्ट नहीं है, उनके पास पीएचडी की डिग्री चाहिए। वो 2009 की जो गाइडलाइन है, 2009 जुलाई 11 2009 से पहले उनकी रजिस्ट्रेशन हुई होनी चाहिए, बहुत बार बता चुका हूँ, लेकिन एक बात है कि कंप्लायंस सर्टिफिकेट की जरूरत इनको पड़ेगी, अगर कल तक है अरेंज कर सकते, अदरवाइज ऐसे ही चले जाएं, ये डिग्री इनके पास जरूर चाहिए। ये होने के बाद नेचुरली आपको 1-2-3 दिन दिए जाएंगे अगर आप में कुछ कमी पाई जाती है, ऐसा नहीं है कि एकदम नेक्स्ट वाले को जो है सीट दे दी जाएगी। प्रूफ ऑफ बीइंग पंजाबी पास ओरिजिनल, हाँ डोमिसाइल ओनली फॉर कैटेगरी, ये इसका उत्तर काफी देर से ढूंढ रहे थे, इट मीन्स के जो कैटेगरी की जिसने लेनी है वो पंजाब वालों को ही बेनिफिट मिलेगा, बाहर वालों को बेनिफिट नहीं मिलेगा, यहाँ से थोड़ा साबित हो रहा है। सर्टिफिकेट इकोनॉमिकली ठीक है, 8 लाख से कम वाला, एससी सर्टिफिकेट, बीसी, फ्रीडम फाइटर, ये सारे जिसके कैटेगरी के हैं वो वही होगा, है ना। तो ये पार्ट टाइम का आपको पता है, पहले से बता चुका हूँ, वीडियो बनाए हैं कि कौन कौन से आपको अथॉरिटी से सिग्नेचर क्या क्या करवाने हैं। एनी अदर डॉक्यूमेंट डॉक्यूमेंट्स विच, ये वो हो सकते हैं जैसे कि कोई फीमेल है वो एससी रिजर्व कैटेगरी से है, तो इन्होंने पहले भी लिखा था कि वो अपने फादर साहब के जो जो उनके फादर इन लॉ नहीं, फादर जो हैं जिन्होंने उनको जन्म दिया है, वो वाले फादर के नाम के प्रूफ 1-2 जरूर साथ में लेके जाएं, और उनके फादर का भी कास्ट का कोई प्रूफ, नहीं सॉरी, इनका अपना कास्ट का प्रूफ और 1-2 डॉक्यूमेंट जिससे ये साबित हो कि फादर जो हैं उसी कास्ट के हैं, ये पहले वीडियो में बता चुका हूँ। तो ये सिग्नेचर वगैरह हो गए, सेल्फ डिक्लेरेशन, आपका नाम, फोटो आ गई, कहाँ रहते हो, डॉटर ऑफ, सन ऑफ, आई हैव अप्लाइड फॉर द पोस्ट ऑफ, अपनी पोस्ट का नाम, अगेंस्ट एडवर्टाइजमेंट नंबर, अगर एडवर्टाइजमेंट नंबर ये है, रहे कहाँ रहे, ये नहीं, ये एडवर्टाइजमेंट नंबर, ठीक है। फॉर एग्जांपल आपकी कॉमर्स की है, कॉमर्स का 5/2021, इसके बाद ये रहा, ठीक, एप्लीकेशन आईडी क्लियर है, बाकी सारा कैटेगरी बहुत जरूरी है आपके क्लियरली हो, क्योंकि आपकी सब कैटेगरी भी साथ में आनी चाहिए, जो भी सब कैटेगरी आपकी बनती है, आपको पता है, ये बातें मेरे बताने की नहीं है। आई हैव अप्लाइड अगेंस्ट, आप तो मेरे से बहुत आगे हो, गवर्नमेंट जॉब में चले गए हो मेरे से वैसे भी आगे हो, बहुत आगे हो, क्योंकि जब मैं बताऊंगा ना मेरे पास मतलब मेरा एकेडमिक रिकॉर्ड ये वो, तो आप देखोगे कि बंदा कुछ कुछ भी नहीं है हमारे सामने, रियली यू जो आप हो वो आप ही हो। आई हैव अप्लाइड अगेंस्ट,
ठीक है, कैटेगरी सब कैटेगरी साथ में आएगी। तो ये आपकी वो है कि आप जो सब कुछ ट्रू आपने दिया है, आपने पढ़ लिया होगा, बताने की जरूरत नहीं है। क्रिमिनल एक्टिविटी में आपने कभी पार्टिसिपेट नहीं किया, जॉब दे रहे हो अपनी करोगे। तो ये पढ़ के आपने, ये उनके लिए है जो बीसी के क्लेम करना है जिन्होंने, नॉन क्रीमी लेयर की डेफिनेशन भी ये है। अगर 8 लाख से टोटल फैमिली की इनकम आपकी इससे ज्यादा है तो आप क्रीमी लेयर हो, अदरवाइज नॉन क्रीमी लेयर है। ये सेक्शन भी लिखा है जिसके अधीन ये है, तो आपके सिग्नेचर, ठीक है। बाद में आ गया, ये लिखा हुआ है 8th पॉइंट, वो बीसी कैटेगरी ने फिल करना है, फिर आपके सिग्नेचर आ गए, और कोई बताने वाली बात नहीं है। बाकी ये यू हैव डन योर बेस्ट, ठीक है, ये फिल करना है यहाँ तक। बाकी उनका काम है कैंडिडेट नेम, फादर नेम, एप्लीकेशन, रोल नंबर, बाकी उनका काम है, आपका नहीं है। ये वेरीफाई उन्होंने करना, ओनली फॉर ऑफिस यूज टू बी फिल्ड बाय स्क्रूटनी कमेटी। आपने नहीं ये फिल करना, आपने नहीं, ये वेरिफिकेशन के बाद वो फिल करेंगे, ठीक। हाँ, आप इनको पढ़ सकते हैं क्योंकि ये पॉइंट्स रेलिवेंट है, लगभग सारे पॉइंट्स रेलिवेंट हैं। जस्ट आपको ये डेट सिग्नेचर आपके नहीं है, उनके हैं, यहाँ नहीं आपने करने, कैंडिडेट नहीं लिखा यहाँ पर, ठीक। इनके उत्तर आपने देने हैं जिन्होंने डिस्टेंस से की है, रेगुलर से डिग्री नहीं की है। इज देर एनी प्रोविजन फॉर ओएलडी? ओएलडी मीन ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग बोर्ड। ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग बोर्ड इन द एक्ट, यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूशन फ्रॉम विच कैंडिडेट है ऑब्टेन, यस प्लीज अटैच द। फॉर एग्जाम्पल, आपकी यूनिवर्सिटी, आपने गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी या पंजाब यूनिवर्सिटी या पंजाबी यूनिवर्सिटी पटियाला या राजस्थान की, जहाँ से भी आपने यूनिवर्सिटी से वो डिग्री की है, ठीक है, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, और जो डिग्री आपने PhD वगैरह है ना, तो वो आपने बताना, प्रूफ देना है कि जो वो प्रोविजन वहाँ यूनिवर्सिटी में है, यहाँ पर कैसे वो लेनी है। मेरे ख्याल में इसको, इसके लिए टाइम चाहिए होगा। आप नेट से इंफॉर्मेशन तो निकाल सकते हो, लेकिन जहाँ ये बाद में आपको यूनिवर्सिटी से प्रूफ देना होगा कि ये वो वाली जो, फॉर एग्जांपल साइकोलॉजी आपने ओपन लर्निंग से की हुई है, ठीक है, इग्नो से तो चलती है, इग्नो से तो हो रही है, तो उसका प्रूफ आपको साथ में अटैच करना होगा। यहाँ पर जो जो डिग्रियां फेक बन चुकी हैं वो गवर्नमेंट में ये इन्फॉर्मेशन पहुंच चुकी है। हाँ, वो बंद क्यों नहीं हो रही ये नहीं पता, लेकिन उसके लिए आपको साबित करना होगा कि आपकी जो डिग्री है वो जेन्युइन है, ठीक। तो दूसरा है कि प्रोविजन है कि रिगार्डिंग डूइंग ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग प्रोग्राम थ्रू ऑफ कैंपस। एक होता है ऑन कैंपस, कैंपस में ही होता है, ठीक। तो एक होता है कि आप कैंपस के बाहर कोर्स है, या कैंपस के बाहर, आउटसाइड दी टेरिटोरियल ज्यूरिसडिक्शन, ठीक है। एक तो यूनिवर्सिटी के बीच में आप पढ़ रहे हो, एक यूनिवर्सिटी के बाहर, जो बाहर वाले हैं वहां गड़बड़ होती है, दैट इज वाई पूछा गया है। तो बाहर वालों को जरा ध्यान से देखा जाएगा। ये क्वेश्चन बड़े पिछले एक्सपीरियंस के बेस पर बने हैं जो पंजाब की सिलेक्शन में हुए हैं, मैंने पीछे पीछे केस बता दिया है आपको, ठीक है। हैज द यूनिवर्सिटी डिग्री ऑब्टेंड कैंडिडेट नेसेसरी परमिशन UGC? हाँ, डिस्टेंस एजुकेशन जो काउंसिल है ना, और UGC है, उससे परमिशन मिली हुई है कि ये कोर्स आप चला सकते हो। ये बहुत जरूरी है, जब भी कोई कोर्स करना हो डिस्टेंस में, ये परमिशन उस यूनिवर्सिटी के पास चाहिए फॉर कंडक्टिंग ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग प्रोग्राम थ्रू ऑफ कैंपस स्टडी सेंटर। ये ऑफ कैंपस स्टडी सेंटर में बहुत सचमुच वो गड़बड़ होती है, दैट इज वाई ऐसे कोर्स प्रेफर कम करने चाहिए, लेकिन करने चाहिए तो इनको, इनकी पालना पहले से पूरी होनी चाहिए। हैज द एप्लीकेंट डायरेक्टली एनरोल्ड हिमसेल्फ? दो तरह होती है, एक फ्रेंचाइज लेते हैं कि आगे यूनिवर्सिटी ने, वहां और गड़बड़ होती है। फ्रेंचाइज
फ्रेंचाइज वाले अगर आपने कोर्स कर रहे हो तो वहाँ आपकी वेरिफिकेशन बहुत ज़्यादा अच्छी से की जाएगी। तो आपको साबित करना होगा कि मैं जेन्युइन स्टडी करके, मैं जेन्युइनली पढ़ के पढ़ दिए हैं मैंने, ठीक। तो ये चारों के चारों आपने क्लियरली जवाब देने हैं। जवाब दे के आप नीचे साइन करोगे। जो रेगुलर वाले हैं उनके लिए ये ज़रूरी नहीं है, जो कोर्स भी आपने कॉरेस्पॉन्डेंस से किया है, ठीक। दैट्स ऑल, थैंक यू।